हे गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप कि सब बढ़िया होगा। सो गाइस, जय साई राम। तो कल रात में ही हम लोग आपके सिरडी में पहुंच चुके थे, तो एक होटल में रह गए थे। अभी जाएंगे साई बाबा के मंदिर। सो अभी फिर फ्रेश तो हो गए सब लोग, मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, तो बाकी सब लोग फ्रेश हो रहे। तो फ्रेश होने के बाद चलते हैं बाबा का मंदिर। बट मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, बट जितना मेरे से हो पाएगा तो मैं बना दूंगी। लाइक जितना मेरे से वीडियो बन पाता है, देखते हैं, तो मैं बना कर आप लोग के लिए लाऊंगी। या लेट्स गो देन। तो गाइस, हम लोग आके सिरडी में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग अपना कार पार्क कर लिए है यहाँ पे। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये पार्किंग एरिया है। तो गाइस, ये है बाबा का मंदिर। तो अभी हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। 8 साल बाद मैं फिर से सिरडी आई हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू विजिट द प्लेस आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप। Shirdi is best place for tourist attraction and such a devotional place it is. And guys, यहाँ पे आपको सारा facilities available है आपके लिए। Like anyone can stay here in low cost. Facilities of hotels, rooms, vehicles, everything is available. And there are many lodges to stay, so there are no problem of staying. And there are good quality of restaurant to eat food in a reasonable price. एंड गाइस, ये द्वारिका माई है, द एक्चुअल प्लेस ऑफ साई बाबा, जहाँ पे साई बाबा रहते थे। दिस इज द प्लेस वेयर बाबा लिव्ड एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम। सो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये चावड़ी है जहाँ पे बाबा बीच बीच में आते रहते थे चावड़ी को। सो बाबा स्पेंडिंग हिज अल्टरनेट डेज हियर। एंड गाइस, आप लोग यहाँ से बहुत चीज़ ख़रीद भी सकते हो, जैसे कि बाबा की मूर्ति हो गई, बाबा की फ़ोटोज़ हो गई, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग ख़रीद सकते हो। गाइस, अभी सिरडी का दर्शन हो गया है। सो अभी हम लोग प्रसाद ले आए हैं भोजन करने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा सा कैंटीन मिलेगा आपको, जहाँ पे आप प्रसाद सेवन कर सकते हैं। तो लेट्स गो, आपको मैं कैंटीन का भी नज़ारा दिखाती हूँ। सो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये श्री साई प्रसादालय है। तो गाइस, अगर आप लोग कभी सिरडी आने का सोच रहे हो, देन हाथ में 2 दिन लेके आइएगा, बिकॉज सिरडी में भी बहुत कुछ ऐसा प्लेसेस है जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ़ यू कैन स्टे फॉर एटलीस्ट 2 डेज इन सिरडी, देन यू कैन विजिट नियर बाई प्लेसेस ऑल्सो। बट हम लोग का क्या है ना, हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में है, बिकॉज हम लोग के हाथ में इतना टाइम नहीं है। तो बस हम लोग को एक ही दिन टाइम मिला सिरडी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड अभी हम लोग सिरडी मंदिर घूम लिए, लाइक दर्शन कर लिए साई बाबा का। अभी हम लोग सनी सिग्नापुर के लिए निकलेंगे, एंड उसके बाद हम लोग को मुंबई भी वापस जाना है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग हाथ में 2 दिन लेके आओगे सिरडी, देन आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो हर एक प्लेस। तो ये काउंटर है जहाँ से प्रसाद के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है।
तो जो कोई भी प्रसादालय आता है उन लोग को खाना फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, बट उसके पहले आपको काउंटर से जाके एक टिकट लेना पड़ता है। सो गाइस, कैंटीन में आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पे फ्री में खाना भक्तों को प्रोवाइड किया जाता है एंड ऊपर से आज थर्सडे भी है। हर थर्सडे में भीड़ रहता है। हम लोग ने तो काउंटर से टिकट ले लिया था प्रसाद के लिए, बट हमें नहीं पता था कि आज इतना भीड़ होगा करके। अगर यहाँ पे वेट करेंगे तो 2 आवर्स लग जाएगा एंड हम लोग को भूख भी लगा है एंड उसके बाद हम लोग को सनी सिग्नापुर के लिए भी निकलना है, तो इसलिए कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट देख के लंच कर लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं सनी सिग्नापुर के ओर। तो यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट था तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, देन उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग सनी सिग्नापुर के लिए निकलेंगे। सो अभी शिरडी हम लोग घूम लिए हैं तो अभी सनी सिग्नापुर जाएंगे। हे गाइस, तो अभी हम लोग सनी सिग्नापुर आके पहुँच चुके हैं, तो अभी सनी भगवान का दर्शन करने जाएंगे। तो फाइनली हम लोग सनी सिग्नापुर आके पहुँच चुके हैं, सो लेट्स गो देयर। हम लोग ने यहाँ पे अपना कार पार्क कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना राशि का तेल यहाँ पे मिलता है, क्योंकि शनि देवता को राशि का तेल लोग चढ़ाते हैं। सनी सिग्नापुर एक फेमस टेम्पल है जो कि शिरडी से 72 किलोमीटर है। दिस पॉपुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शनि देव। आपको चप्पल निकाल के जाना होगा अंदर। सो ये जो चप्पल स्टैंड है यहाँ पे, आप यहाँ पे चप्पल रख के अंदर जा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे शनि देवता को स्थापित किया गया है एंड यहाँ पे किसी भी प्रकार का छत या किसी प्रकार का मंदिर के अंदर शनि देवता को नहीं रखा गया है, उनको इन्हें ओपन एरिया में ही रखा गया है। सिग्नापुर इज ए स्मॉल विलेज विच इज ऑल्सो फेमस फॉर द फैक्ट दैट इज यहाँ पे किसी के घर में एंड दुकान में दरवाज़ा नहीं होता है एंड कोई भी अपने घर में या दुकान में ताला भी नहीं लगाते हैं, बिकॉज इन लोग का मानना है कि यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर सकता है। अगर किसी ने भी चोरी की तो उसको शनि भगवान पनिश करेंगे। सो इन द होल विलेज नो हाउस हैज डोर्स। पीपल बिलीव नो वन कैन स्टील एनीथिंग फ्रॉम हियर एंड इफ एनीवन ट्राई टू स्टील ही विल गेट पनिश्ड बाय गॉड। सो इन लोग का यही मानना है।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा राशि तेल का डब्बा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ डेली 30,000 से 45,000 विजिटर्स आते हैं शनि भगवान का दर्शन के लिए, तो सब कोई राशि का तेल चढ़ाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो नारियल देख रहे हो, लोग नारियल भी चढ़ाते हैं शनि भगवान को। गाइस आप लोग देख पाए कि शनि भगवान को कैसे राशि का तेल चढ़ाया जा रहा था, भक्तों ने राशि का तेल चढ़ा रहे थे। तो जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं ना गाइस, तो राशि का तेल तो चढ़ाते ही है। लाइक अगर आपका कुछ भी इच्छा है, मनोकामना है, तो यहाँ पे पूरा हो सकता है। सो ऐसे मानते हैं लोग, सबका मानना है कि अगर आप चढ़ा दें तो आपका मनोकामना पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे राशि का तेल लाइक बहुत मिलता है गैस। लाइक आप लोग को मैंने दिखाया ना, कितना सारा राशि का तेल डब्बा गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था वहाँ पे। एंड नारियल भी बहुत सारा है, एंड राशि का तेल भी वहाँ पे है। लाइक बहुत यहाँ पे डिमांड है, लाइक जो कोई भी आता है ना, प्रसाद में नारियल चढ़ाते हैं एंड राशि का तेल चढ़ाते हैं शनि भगवान को। ऐसे ही सब होता है यहाँ पे शनि सिग्नापुर में। तो देख के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाइक 8 साल पहले मैं शिरडी आई थी घूमने के लिए, बट शनि भगवान का दर्शन अब नहीं हो पाया था। लाइक मैं 8 साल पहले शिरडी आई थी बट यहाँ पे नहीं आ पाई थी। तो 8 साल बाद जब मैं शिरडी आई तो मैं सोची कि नहीं, चलो शनि भगवान का भी दर्शन कर लेते शनि सिग्नापुर जाके। तो फिलहाल आ गई मैं, सो देख के बहुत अच्छा लगा। चलो फिर अभी वापस मुंबई जाएंगे हम लोग। देन मुंबई जाने के बाद फिर से वहाँ पे एक ट्रिप होगा। तो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मुंबई को। तो आज शिरडी एंड शनि सिग्नापुर घूम लिए, तो अभी मुंबई जाते टाइम लाइक अभी 200 किलोमीटर्स और भी बाकी है मुंबई में पहुंचने के लिए। तो बहुत ज़ोर से भूख लगा था, तो आई थॉट कि कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे फूड हिल्स एक है, तो फूड हिल्स में सोचे कि रुक जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, देन फिर चलते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।